गांधी को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। गाजीपुर बॉर्डर से वापस ही दिल्ली उनका राहुल गांधी का काफिला लौट गया। गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 6 दिसंबर के बाद संभल जाएंगे। राहुल गांधी, मुझे रोकना नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन है। राहुल गांधी की तरफ से ये रिएक्शन दिया गया कि मुझे वहां रोकना, एक तरीके से वहां जाने से रोकना, नेता प्रतिपक्ष हूं मैं, नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन उन्होंने बताया। हालांकि इसके बाद फिर अधिकारियों की तरफ से जब उनसे बात की गई, उनके काफिलों को वापस लौटने के लिए कह दिया गया, काफिला तो वापस लौट गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 6 दिसंबर के बाद मैं संभल जाऊंगा। इसके अलावा राहुल गांधी सवाल खड़े करते नजर आए कि हमें संभल जाने से रोका क्यों जा रहा है, मैं नेता प्रतिपक्ष भी हूं, मेरे पास उसके अधिकार हैं और मैं अकेला संभल जाने के लिए तैयार हूं, तो मैं काफिले को यहीं छोड़ देता हूं, मैं अकेला संभल चला जाता हूं। ये बात भी राहुल गांधी की तरफ से रखी गई थी, लेकिन इसे भी नकार दिया गया। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। और देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी ने मांग की कि मुझे वहां यानी कि संभल जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं अपना काफिला यहीं पर छोड़ दिया जाता हूं, मैं अकेला चले जाऊंगा, पुलिस के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर मैं जा सकता हूं वहां पर, ताकि मैं हालातों के बारे में वहां पर जाकर देख सकूं, जायजा ले सकूं, लेकिन इससे भी इनकार कर दिया गया, इसे भी नकार दिया गया, जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर हो हंगामा लगातार देखने को मिला। जबरदस्त भीड़ वहां पर, पूरा का पूरा जो गाजीपुर बॉर्डर था वो ब्लॉक हो गया था, और उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद राहुल गांधी को उनके काफिले को वापस लौटा दिया गया। अरुण चंद्रा हमारे साथ संवाददाता गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्ट हो गए हैं। अरुण, 2 घंटे लगभग वहां पर हंगामा चलता रहा, काफी जद्दोजहद राहुल गांधी की तरफ से की गई, लेकिन आखिरकार उन्हें वापस कर ही दिया गया। अब 6 दिसंबर को लौटेंगे वो वहां पर, संभल जाने की बात कह रहे हैं अब। देखिए शिल्पा, बिल्कुल अभी जिस तरह से यहां पर करीब 2 से 2.5 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है, गाजियाबाद यूपी बॉर्डर जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, पप्पू यादव समेत तमाम
यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी यहाँ पर एकत्रित हुए और इन्हें संभल जाना था। हालांकि इस मामले में पहले ही संभल डीएम ने गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ डीएम को लेटर जारी कर सूचित कर दिया था कि यूपी बॉर्डर पर से आगे कोई भी ना आने पाए, तो उसका पालन करते हुए गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा और शासन प्रशासन की जो तीव्रता थी उसको दिखाते हुए इन्होंने जो बॉर्डर पर राहुल गांधी और उसके तमाम नेताओं को यहाँ पर रोक कर रखा। और काफी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर अब ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को हार कर वापस जाना पड़ा। हालांकि वो राहुल गांधी ये जरूर कह के गए हैं कि 6 तारीख को दोबारा से फिर प्रयास किया जाएगा। और अच्छा, राहुल गांधी वहां पर अड़े हुए थे कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा ये संवैधानिक अधिकार है, बकायदा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक वो दिखाते हुए नजर आए थे कि आप कैसे मेरे इस अधिकार को मुझसे छीन सकते हैं, फिर कैसे मनाया गया उन्हें? देखिए, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने तमाम दलीलें दी जरूर यहाँ पर, लेकिन जो शासन प्रशासन की जो टीम लगी हुई थी उनको मनाने के लिए और जो आदेश ऊपर से आया था और फिर खासकर जो बीएनएस 163 की धारा है संभल में वो लगी हुई है, जिसके तहत भी वहां पर जाना संवेदनशील माना जा रहा है। और तमाम ये राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव का प्रतिनिधिमंडल हो या फिर दो दिन पहले कांग्रेस का ही प्रतिनिधिमंडल नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर आए थे, उनको भी रोक दिया गया था। लेकिन फिलहाल पुलिस जो राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रही है। एक बार तो यहाँ पर जरूर माहौल गर्म हो गया था, क्योंकि जैसे ही सूचना मिलती है कांग्रेस के तमाम नेताओं के राहुल गांधी को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो तमाम विधायक और सांसद यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने जो ठीक है फिलहाल कुल मिलाकर आज तो मामला संभाल लिया गया है। अब 6 दिसंबर के बाद जब फिर से संभल जाने का प्रयास करेंगे राहुल गांधी, उस समय किस तरह की परिस्थितियां होंगी नजर बना रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अरुण चंद्रा इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।